ओम सर्व मंगलम इति शुभम। श्री सिद्धि चैनल आपका स्वागत करता है। आज का विषय है देवर्षि नारद का पूर्व जन्म। देवर्षि नारद जहां एक ओर श्रीहरि के महान भक्त हैं, वहीं दूसरी ओर वे महान ज्ञानी एवं श्रेष्ठ ऋषियों में से एक हैं। भ्रमण करते हुए वे संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। मन की गति से कहीं भी कभी भी किसी भी लोक में उपस्थित हो सकते हैं। इन्हें यह दुर्लभ गति में शक्ति एवं भक्ति कैसे प्राप्त हुई और किस कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुई, इसका कारण देवर्षि नारद के पूर्व जन्म से संबंधित है। देवर्षि नारद पूर्व महाकल्प में उपबरहण नाम के एक गंधर्व थे। समस्त गंधर्व गण उनका बड़ा ही सम्मान करते थे। गंधर्व उपबरहण देखने में अत्यंत सुंदर थे। उनके शरीर से दिव्य सुगंध स्फुटित होती रहती थी। एक बार इन्हें देव सत्र में भगवत गुणगान के लिए बुलाया गया। स्वभाववश उपबरहण वहां अप्सराओं के साथ संसारी गीत गाते हुए पहुंचे। इस कारण वहां उपस्थित प्रजापतियों ने उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। प्रजापतियों के शाप के कारण गंधर्व उपबरहण अपने अगले जन्म में दासी पुत्र के रूप में जन्मे। इनकी माता वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ दासी थी। वे विद्वान ब्राह्मण चतुर्मास व्रत का अनुष्ठान कर रहे थे। संयोग बस वह दासी पुत्र भी अपनी माता के साथ उन ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। वह बालक सेवा अवधि के अंतराल में ब्राह्मणों के श्री मुख से श्री हरि के गुणगान एवं चरित्र का श्रवण कर हरि भक्ति की ओर आकर्षित होने लगा। परंतु दासी पुत्र होने के कारण वह दिन भर अपनी माता की सहायता के लिए ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहता। इस प्रकार वह बालक 5 वर्ष का हो गया। एक दिन उसकी माता गौ दुहने के लिए गौशाला में गई, जहाँ सर्प से उसकी मृत्यु हो गई। वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया। परंतु ब्राह्मणों के उपदेश के कारण वह दासी पुत्र श्रीहरि के ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगा। वह बालक भ्रमण करते हुए उत्तर की ओर निकल पड़े। अनेक नगरों वनों आदि को पार करते हुए वह बालक एक दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीहरि का ध्यान करने लगा। श्रीहरि का चिंतन करते हुए बालक का चित्त स्थिर हो गया और ध्यान जम गया। अकस्मात उसी समय बालक को श्रीहरि के क्षणिक दर्शन प्राप्त हुए और अगले ही क्षण परमेश्वर आलोप हो गए। बालक मन में बेचैन उठा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने तुम्हें क्षणिक दर्शन दिए हैं। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं से विरक्त हो जाता है। ब्राह्मणों एवं संतों की अल्पकालीन सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझमें स्थिर हो गई है। अतः तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को त्यागने के बाद मेरे पार्षद बनोगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह निश्चय अवश्य ही पूर्ण होगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। बालक ने उस आकाशवाणी को ईश्वर की आज्ञा समझकर प्रणाम कर आगे की ओर बढ़ गया। तब से उस बालक ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के मंगलमयी चरणों का गुणगान एवं उनकी चरित्र लीलाओं का ध्यान करने में बिताया। इस देह की आसक्ति छूट गई और उस दासी पुत्र का चित्त शुद्ध होकर हृदय श्री कृष्ण परायण हो गया। इस प्रकार आयु अवधि समाप्त होने पर यह पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जब यह सारी सृष्टि ब्रह्मा जी में प्रवेश करने लगी, तब उनके श्वास के साथ दासी पुत्र की वह दिव्य देह भी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश कर गई। 1000 युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी द्वारा नवीन सृष्टि के निर्माण के समय उनकी इंद्रियों से मारीच आदि ऋषियों के साथ नारद जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही नारद जी को भगवान द्वारा वह वीणा भी प्राप्त हुई, जिसके द्वारा वे हरि नाम यश कीर्तन करते हुए सर्वत्र अव्याहत गति से विचरण करने लगे। इस प्रकार चातुर्मास में श्रीहरि की लीलाओं का गुणगान करने के पुण्य प्रभाव से देवर्षि नारद को परम पद की प्राप्ति हुई। जय श्री राम।